हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक जे विद अस माय डियर। इट्स अबाउट मी, मायसेल्फ धीरेन छेत्रपाल। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। IIT जैम लैंग्वेज 694 रही है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MSc केमिस्ट्री में कर रखा है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। खुद तो कनेक्ट होंगे ही होंगे, अपने फ्रेंड को भी बोलिएगा कि इस ऐप से ज़रूर कनेक्ट हो। ठीक है, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में और बहुत ही इकोनॉमिकल अमाउंट में एजुकेशन देने का मौका देती है। हमारा मोटिव है कि सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, फटाफट से आप हमसे कनेक्ट होने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करिए। मैडियर, क्या बेनिफिट्स हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के? तो देखो यार, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ इंगेज करती है लाइव, जहाँ पे आप अपने ईजिली अपने मन में जैसे भी जो भी डाउट्स होते हैं आप बिंदास होकर पूछ लेते हो। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग कराने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एहसास हो जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है, और जिन्होंने सही किया है उन्होंने कितने सेकेंड्स में क्वेश्चन ख़त्म किया है। ठीक है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे करोगे? उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्विज और मॉक टेस्ट देना चाहिए। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्विज और मॉक टेस्ट देने का मौका देता है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि आपको और कितने हार्डवर्क की ज़रूरत है, आप राइट ट्रैक पे हो या रॉन्ग ट्रैक पे हो, कितना और ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ कौन सी टाइप की मिस्टेक हो रही है, क्या मेरा सवाल जो सब समय में होना चाहिए था समय में हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे एनालिसिस आपको हमारे क्विज और लाइव टेस्ट के दौरान आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इधर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है कम्प्लीटली, कोई भी सब्जेक्ट का हो वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। इट मीन्स क्लास में आपको DPP मिलती है, डाउट सॉल्विंग होती है, उसके बाद माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं। इससे आप एक मेंटली रेडी हो जाते हो कि हाँ, आपको एग्ज़ाम में कोई नया कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आप वही क्वेश्चन कर चुके होगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी होगी। इसके अलावा आपका कोर्स ऑन टाइम फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे कोई टाइम टेबल नहीं होता तो कोई टाइम ऑनलाइन कोर्स टाइम पर फिनिश ना होता। लेकिन चूँकि हमारा पहले से सब प्री शेड्यूल्ड होता है, जितने भी क्लासेस होती हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सब प्री शेड्यूल्ड होते हैं। ठीक है, इसे आप और हम एक शेड्यूल में आके, क्लॉक में आके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसे एग्ज़ाम देने में बहुत बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपके माइंड पहले सेटअप होगा कि ये पढ़ना है। दूसरी क्लास एक दूसरे से क्लैश नहीं करेंगी, बहुत फिक्स स्मूथली चलेगा यार। ठीक है, नेक्स्ट इधर अनलिमिटेड एक्सेस। इसके तो बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं यार। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इनकेस अगर किसी रीज़न से आप हमारे लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। इसके अलावा आपने सब्सक्रिप्शन तो एक कर लिया, बाकी आपको एन नंबर ऑफ फैकल्टीज अकेडमी टीम में पढ़ाते हैं। आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़ना है 10 से पढ़ो, फिजिक्स 20 से पढ़ना है 20 से पढ़ो, जितनी बार पढ़ना है उतनी बार पढ़ो, जितने बजे पढ़ना है उतने बजे पढ़ो, सब तुम्हारे अकॉर्डिंग है। अपनी अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करो, अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपने अकॉर्डिंग टीचर सेट करो, अपने अकॉर्डिंग बैच सेट करो, ये सब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, इसका बहुत बहुत फायदा है। हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारी बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही इकोनॉमिकल फीस है। मैं इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मैं कंपेयर करने आ जाऊँ, क्योंकि एक कंपेरिजन टर्म है इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल, कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इस टाइम पे भी करीबन करीबन साल का नहीं तो नहीं 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब लेके जाते हैं। ठीक है, प्लस अदर एक्सपेंस और आपके हो जाते होंगे। वहीं पे हम आपसे ओनली एंड ओनली सिर्फ 30K की डिमांड करते हैं, दैट मीन्स 30,000।
इसके अलावा भी अगर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इसको, इस 10% को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड की हेल्प से आप हमसे 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। ओके, आफ्टर दिस कोड माय डियर आपका अमाउंट हो जाएगा 27K, मतलब 27,000 में आपको तीन सब्जेक्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा n नंबर ऑफ फैकल्टीज मिल रहे हैं, यार इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसके अलावा बच्चा, अगर आप क्लास 11th में हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। मैं इसके पीछे आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ डिफरेंस को देखो तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा कितना, नियरली 5K का। अब 5000 के एक्स्ट्रा पे करने से जो जर्नी आपके साथ 12 महीने की थी वो 24 महीने की हो जाएगी, डबल जर्नी हो जाएगी। बहुत समय मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे मौके आएंगे, आप हमारे साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रहोगे, इससे आप और हम मिलके आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली यार इतना टाइम मिल जाएगा और हार्डवर्क होगी तो पक्का गारंटी है यार कि बहुत ईजिली एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट भी आप एक साथ नहीं पे करोगे तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इस बेसिस पे अगर आप आ जाते हो तो जो पर मंथ की EMI बैठ रही है वो बैठ रही है 1350, मतलब 1350 रुपये में तीन सब्जेक्ट मिल रहे हैं, एन नंबर ऑफ फैकल्टी मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई अफोर्डेबल, कुछ इकोनॉमिकल हो तो मुझे बताना। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, तो देखो यार जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में होते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारा पूरा एक कोर्स स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलता है। अब मैं आपसे कहूँ कि यार अपने 12th को या अपने 11th को 3 महीने में ख़त्म कर दो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे, एक बार में ग्रैब करने की कोशिश करोगे जो कि इम्पॉसिबल है, फिर आपका वो छूटेगा, फिर आप डबल मेहनत कर रहे हो, पक्का ऐसा होगा कि आप छूट जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ हो जाएगा आपके पास उस टाइम पढ़ने, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यार कि आप 1 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ में भी आप 11th या 12th का कोर्स ख़त्म कर पाओ। ठीक है, जो जितना टाइम जिसके लिए दिया हुआ है एटलीस्ट उसको उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, अनअकैडमी अपने प्राइस में हाइक करने जा रही है। आप देख सकते हैं कि करेंटली प्राइस हमारा ये चल रहा है कि 1 ईयर का प्लान 27,000 है बाय यूजिंग माय कोड धीरेन। ठीक है, आफ्टर अवेलिंग 10% डिस्काउंट। और 2 ईयर का कोर्स जो है वो 32,400 है। लेकिन अगर आप हमारे इस प्लान को नहीं लेते हैं या आप थोड़ा देर कर देते हैं तो आपको नया प्राइस देना पड़ जाएगा जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी। और जो नया प्राइस होगा वो 1 ईयर का 34,650 होगा आफ्टर द 10% डिस्काउंट। ओके, एंड 2 ईयर का 50,000 हो जाएगा, 50,400। तो आप सोच सकते हो, 30,000 से 50,000 का हाइक होने वाला है। अब आप लॉजिक लगाओगे कि आपको पढ़ना तो है ही, आपको टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जब आपको लेना भी है, आपको पढ़ना भी है तो फटाफट नई फीस से आने से पहले करंट फीस पे आप ले लो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। नहीं तो आप बाद में लोगे, महंगा भी पड़ेगा और कोर्स भी पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से यार प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लो, इस कोड को, मेरे कोड को यूज़ करो और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यार फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप सभी को पता है कि मैंने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज शुरू कर रखी है। इस सीरीज के दौरान मैं हर एक चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाता हूँ और उसको आपको कराने की कोशिश करता हूँ। उस रिलेटेड आगे पीछे जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो कराता हूँ। इसके अलावा माय डियर मेरी PYQ सीरीज चलती है, रोज रात के 9 बजे आप मेरी सीरीज को देख सकते हो, आप इससे कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कराते हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। मैंने
टॉप 500 टॉप 500 PYQ क्वेश्चन छांट रखे हैं, क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। एक बार अगर आप इन क्वेश्चन को लगा लोगे तो गारंटी है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास का अलग मजा है, लाइव पोलिंग का अलग मजा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रोज रात 9 बजे मुझसे मिलिए मेरे PYQ सीरीज में, और जो PYQ सीरीज आप पीछे छोड़ के आए हैं उसके रिकॉर्डिंग देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस सीरीज पे हूँ, मैं क्या चला रहा हूँ, किस तरह के टॉपिक्स चलते हैं, किस तरह के क्वेश्चन का लेवल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो फटाफट से हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए यार इसके लिए। ठीक है, इस सीरीज के दौरान यार आपको मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 7 लॉन्च होने वाला है। इसका मतलब मैं पार्ट 1 से लेकर 6 तक फिनिश अप कर चुका हूँ। अब आप सोचो कि यार कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं फिनिश कर चुका हूँ, और आज मैं पार्ट 7 पे हूँ। ये भी अपने आप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट चूंकि केमिस्ट्री है तो आपस में सब में इंटर रिलेशन होता है। पार्ट 2 पार्ट 6 से डिपेंड होगा, पार्ट 6 5 पे एंड सो ऑन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार पार्ट 7 जो देख रहा है वो 1 से लेकर 6 को भी जरूर देखे। ठीक है, मैंने पार्ट 6 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ डेप्थ में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस क्या होती हैं, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों बुलाते हैं, सबस्ट्रेट कहाँ पे अटैक करता है, रिएक्शन में कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं, क्राउडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल का रोल काम करता है, कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस तरह एसाइल हैलाइड्स में और कीटोन एसाइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड सो ये सब मैंने बताया हुआ है आपको। तो प्लीज़ पार्ट 6 को ज़रूर देखें। इसके अलावा मैंने पार्ट 6 में आपको ग्रिगनार्ड के बारे में बहुत तरह अच्छे से बताया था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, कैसे हम लोग ग्रिगनार्ड पर न्यूमेरिकल लगाए थे, मैंने ग्रिगनार्ड पर क्वेश्चन भी करवाए थे आपसे कि कब कब ग्रिगनार्ड का क्या क्या कैसे कैसे रोल है। ठीक है, तो अब मैं पार्ट 7 को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आज ये पार्ट फिनिश हो जाएगा, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फिनिश हो जाएगा, तो मैं आज ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करूँगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करूँगा। ओके, तो दोस्तों प्लीज़ एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, और जो जो मैं पढ़ाता जाऊँ बहुत पेशेंटली सुनिएगा और फिर उसको उतारिएगा। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस कहूँ आपसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने को, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करो। मुझे लगेगा कि आप मुझसे कनेक्टेड हो, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, मेरी केमिस्ट्री को फील ले पा रहे हो, जो मेरा हमेशा मोटिव रहता है। ठीक, शुरू करते हैं अपना। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ ओके, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको बेसिकली बताया था, एक बार क्विक रिकॉल दे देता हूँ, कावल ग्रुप था, ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, आप इस पर ऐसे अटैक करते थे, ये बॉन्ड खुलता था, यहाँ पे O-, यहाँ पे Ni, बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप इसमें S+ का अटैक कराते थे, कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते थे, यहाँ पे OH, यहाँ पे Nu, और ये वैसे का वैसे। पहले ये बीच हमारा SP2 था, ट्राइगोनल प्लेनर की शेप में था, आफ्टर दिस प्रोडक्ट बन गया, तो वह SP2 से कहाँ पहुँच गया, ये SP3 पे पहुँच गया, प्रोडक्ट ट्राइगोनल प्लेनर से प्रोडक्ट टेट्राहेड्रल पहुँच गया। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने आपको उसकी स्टीरियो के बारे में बताया है कि एक प्रोडक्ट अबव द प्लेन बन सकता है, प्रोडक्ट बिलो द प्लेन बन सकता है, डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है इस बात का बहुत बड़ा रोल है। न्यूक्लियोफाइल अगर नीचे से अटैक करेगा तो बिलो द प्लेन, अदरवाइज अबव द प्लेन ऐसे होने वाला है। तो प्लीज़ मैं साथ साथ आपको पता है, चूँकि मैं स्टीरियो पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं स्टीरियो का बहुत फ़ायदा उठाता हूँ, मैं क्वेश्चंस के टाइम आपसे पूछ लूँगा इसकी रिएक्शन मीजो जाएगा, रश्मिक जाएगा, डाइस्टोमर बनेगा, एनेंजोमर बनेगा, फलाना ढिमकाना, कुछ भी मेरी मर्जी चलती रहती है। ठीक है, तो आइए इस रिएक्शन के दौरान पढ़ते हैं, इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोजन साइनाइड बुलाते हैं इसको यार, हाइड्रोजन साइनाइड बुलाते हैं। कैसे काम करता होगा हाइड्रोजन साइनाइड, तो देखो यार HCN है, आप इसको ब्रेक करते होगे,
सी ब्रेक होगा एच प्लस प्लस सी एन माइनस में। अब देखो मैंने यहाँ पे एक एरो लगा दिया, इसके एरो का मतलब क्या है कि यार आपको पता है कि ये आपका एक वीक एसिड है, आपका क्या है एक वीक एसिड है। अब चूंकि हमारा ये एक वीक एसिड है इसलिए जो एच प्लस होगा ये वापस सी एन से इंटरेक्ट करके वापस एच सी एन बनाएगा, मतलब ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड रिएक्शन में जाने लगेगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको एच सी एन फ्री फॉर्म में चाहिए, आपको चाहिए कि मैं एच सी एन का जो ए सी एन माइनस है इसको मैं एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करा सकूं। तो उसके लिए आपको एच प्लस से सी एन माइनस को अलग करना पड़ेगा। भाई ऐसे समझो कि एक छोटा सा बच्चा था वो मम्मी के साथ मेले में था और मम्मी से अलग हो गया, तो अब तो भैया तुम उसको चॉकलेट खिला दो टॉफी खिला दो कोई फर्क नहीं, उसको क्या चाहिए, उसको तो मम्मी चाहिए भैया। तो यहाँ पे वही वाली कहानी है कि अगर वीक एसिड है उसका जो कंजुगेट बेस है उतना स्टेबल नहीं है, है ना, और ये जब स्टेबल कंजुगेट बेस नहीं होगा तो ये वापस एच प्लस भगेगा, और जब वापस भगेगा तो एच सी एन वापस बनाएगा। तो हमको तो एच सी एन फ्री फॉर्म में चाहिए। अब मैं करूँ क्या, तो करने का तरीका ये है कि ये जो बच्चा अपनी मम्मी के पीछे भाग रहा है, एच प्लस पीछे भाग रहा है कि नहीं मुझे तो मेरा एच प्लस वापस चाहिए मैं स्टेबल नहीं हूँ यार, तो आप क्या करोगे इसकी मम्मी को अलग कर लोगे, मतलब ये रिएक्शन थोड़ा सा आप इसको बेसिक मीडियम में करोगे। बेसिक मीडियम करने से क्या होगा, ये जो एच प्लस है ना ये किसी बेस से क्या कर जाएगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा, एच टू बन जाएगा, मतलब ये सी एन माइनस जब एच प्लस होगा ही नहीं तो अटैक क्या करेगा, सी एन माइनस बेचारा अकेला पड़ गया। अब ये सी एन माइनस को आप क्या करोगे एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कराओगे, ठीक। जब उसको न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कराओगे तो यहाँ आएगा सी एन, यहाँ आएगा ओ माइनस, वैसे का वैसे बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को दोबारा अटैक कराओगे, वो सॉल्यूशन के अंदर ही होगा, यहाँ हो जाएगा ओ एच और ये वैसे का वैसे। इस प्रोडक्ट को हम लोग साइनोहाइड्रिन बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये एस्टरडिहाइड है और मैंने इसको एक्सचेंज रिएक्ट कराया इन द फॉर्म ऑफ बेस, यहाँ पे पीएच थोड़ा ग्रेटर देन 7 कर दिया, ठीक। ऐसा करने से मुझे ये प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं क्या, देखो यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CN, बाकी को लेंस पूरी कर लेना अच्छे, ओके। अब ये एस्टरडिहाइड था, ये एस्टरडिहाइड था, और ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। पहले आप एस्टरडिहाइड बनाए थे, अब आप एस्टरडिहाइड से एस्टरडिहाइड साइनोहाइड्रेट बनाओगे, ठीक है। हाँ मैं अगर चीजों की बात करूँ उसके यार थोड़ी, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एक बार न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन आया होगा और एक बार बिलो आया हो, तो यहाँ वाले में मैंने बिलो दिखा दिया और यहाँ वाले में मैं न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलूँ, मेरे पास तो है ये सी एन सीरीज, क्यों लिखूँ सी एन यार, ज़्यादा अच्छा है ना सी एन लिखूँ, बताइए जो न्यूक्लियोफाइल सी एन है। तो देख सकते हो यार दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब ये क्या क्रिएट करो, रेसिमिक मिक्सचर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर क्रिएट हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई हमारा सब्सट्रेट प्लेन में हो तो न्यूक्लियोफाइल अबव भी अटैक कर सकता है और बिलो भी अटैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन भाई ये जरूरी है कि अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो मत करना भाई, सिमेट्रिकल में कैसे आप जज कर पाओगे यार, सिमेट्रिकल में कैसे कह सकते हो कि कोई अबव जाएगा कोई बिलो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिमेट्रिकल जब भी होता है तो कभी भी आप उसकी स्थिरों को नहीं बताओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर एच सी एन से रिएक्ट करके रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, इनमें से कौन सा मिक्सचर एच सी एन से रिएक्शन करके अलग मिक्सचर बनाएगा, क्वेश्चन सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, मैं रेसिमिक मिक्सचर लिख रहा हूँ आर सी एम, रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विथ HCN,
जैसे पहला आएगा आपका एसीटोन, दूसरा आपका आएगा फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा आएगा आपका बेंजोफिनोन, और चौथा आएगा आपका लेट सपोज ले लिया हमने एस्टाल्डिहाइड ले लिया, ये चीज़ें जो, और हमसे बोल रहा है कि भाई मेरे इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो रेसिपी मिक्सचर देगा। अब सिमेट्रिकल वालों को क्या रेसिपी कैसे पहचानोगे, मिथाइल ऊपर गया नीचे गया, मिथाइल तो अपनी जगह ही है, आप डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पाओगे उसको भाई, वो तो बस स्ट्रक्चर एक जैसा आ जाएगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा, सी एच थ्री के भी अपोजिट ओ एच और सी एच थ्री के अपोजिट सी एन, तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा, सिमेट्रिसिटी होगी जज कैसे होगा यार, नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे ना इस पे होगा ना इस पे होगा ना इस पे होगा, बचा कौन सा यार, सिर्फ ये फोर्थ वाला। मतलब आप कभी भी रेसिपी मिक्सचर जब भी बनाने की सोचोगे, जब भी आपसे पूछेगा, तो आप हमेशा उसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर उठाना, वही स्ट्रक्चर आपको रेसिपी मिक्सचर बनवाने में आपकी मदद करवाएगा, ठीक है, ओके। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ कि यार अगर तुम्हारे पास साइनाइड है और साइनाइड का तुम कम्प्लीटली हाइड्रोलिसिस करते हो तो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, सेम है अगर तुम इसका पार्शली हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर तुम इसका पार्शली हाइड्रोलिसिस करते हो तो तुम्हें एमाइड मिलता है, और अगर आप इसका रिडक्शन करते हो LiLH4 पानी के साथ तो आपको अमाइन मिल जाता है, ठीक है। तो ये साइनाइड के साथ एक्स्ट्रा रिएक्शन टेक प्लेस होती हैं, ठीक है, साइनाइड के एक्स्ट्रा रिएक्शन टेक प्लेस होती हैं कि हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भाई कुछ मेंशन नहीं होगा तो अंडरस्टूड है कि वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है भाई, कुछ अगर वो मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस होने वाला है। मतलब अगर मैं आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दूं और मैं इसको HCN से रिएक्शन कराऊं, यहां प्रोडक्ट ए बनवाऊं और यहां लिख दूं H3O+ और यहां प्रोडक्ट बी बनाऊं, तो क्या आप प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बना पाओगे? बहुत बहुत इजी चीज है यार, ये तो टुच्चा बच्चों वाला चीज है, इसमें कुछ लेवल नहीं है इसका। तो यहां आया OH, यहां आया CN, ये मेरा प्रोडक्ट ए बना। बस अब तो क्या करना था, कुछ मेंशन नहीं किया तो मैं क्या मान के चलूंगा, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, और जब मैं कंप्लीटली मानूंगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाकी यहां से फिर वो कुछ भी कर सकता है आगे, तो अभी मैं आपको ऊपर की नॉलेज दे रहा हूँ कि HCN के साथ अगर इसको आप कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, पार्शली करोगे तो एमाइड मिलेगा, रिडक्शन करोगे तो आप एमाइन मिलेगा, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए से बी, बी से सी, आगे भी कुछ कर सकता है, उसको हीट कर सकता है, क्या बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके पास, ये भी करने का, ये भी करने का, ये भी करने का, प्रोडक्ट बनाने का, ठीक, बढ़ जाए आगे, चल नेक्स्ट आएगा गाइस, ये आएगा रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है। अब NaHSO3 कुछ कुछ ऐसा होता है, मैं आपको पहले तो बता दूं इसकी कैप्सूल, क्योंकि मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है और मैं इसको NaHSO3 से रिएक्ट कराऊंगा, तो ये बनेगा SO3Na और यहाँ आएगा OH। कैसे आएगा, कब आएगा, क्या मैकेनिज्म होगी, मैं आपको बोलता रहता हूँ, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म करा रहा हूँ, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और मैं वही करने जा रहा हूँ। तो देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होने वाली है, और मैकेनिज्म को जानते हैं, देखो आपको पता है कि पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए यार, ओके। अब देखो होने क्या वाला है, यहाँ पे बहुत सारी गुत्थी सॉल्व हो जाएगी आपकी,
स्टेप बाय स्टेप चलना कि ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, और फिर सही स्टेप क्या है। ठीक है, देखो मान लो थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं पता मैकेनिज्म क्या होने वाली है, मैंने दिमाग लगाया बस ऐसे ही कि यार मुझे पता था इतना कि मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, और थोड़ी देर की मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ बाद में देखूंगा, मैंने इस पर अटैक किया। ठीक है, अब जब मैंने इस पर अटैक किया तो अटैक तो ऑक्सीजन ने कर लिया, यहाँ पे O- Na+ आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक कर लिया SO3OH। अब हमको ये बड़ा चाहिए क्या? नहीं ना, देखो हमको तो सल्फर के साथ हमको तो सल्फर चाहिए कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ना, हमको तो सल्फर चाहिए कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच। यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, पहली बात। चलो तो इसका मतलब मैकेनिज्म ने हमको ये सिखाया कि यार किसका अटैक होता है, कैसे अटैक होता है, इस बात का बहुत बड़ा रोल है। अब देखो सल्फर में क्या अटैक करने की कैपेसिटी भी है कि बस सल्फर चाहिए तो चाहिए, हम उसकी बात मान ले तो आप देख लेते। सल्फर के पास 6 होते हैं आपको पता है, तो उसके पास एक लोन पर खाली होगा क्योंकि 4 यूज किया हुआ है। अब ये लोन पर भाई साहब अपना यहाँ लेके जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगी, यहाँ आ जाएगा CO-, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ O- Na+। अब होगा क्या, चूंकि सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सल्फर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात तो है नहीं, तो ये पोलराइज करने की सोचेगा, ये जब पोलराइजेशन में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगी, ठीक है, और जब ऐसे टूटेगी तो ये ओ वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा जो हमको चाहिए SO3-Na+। ठीक है, क्लियर कट, मेरी बात समझ में आ रही है। और इसकी अपने आप एक पीपीटी होती है यार, ये एक वाइट कलर की पीपीटी होती है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या करवा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, एग्जाम में मेन तो एग्जाम में आएगा, क्या करना है। तो देखो यार, अगर मान लो एसिटाल्डिहाइड आ गया और आपने इससे कहा कि इसको रिएक्शन कराओ NaHSO3, ठीक है, लिखता है, लिख के ऐसे ही आएगा, आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे ना, सीधे OH SO3N, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आप क्या बनाओगे, एच बनाओगे कि नहीं बनाओगे। ठीक है, बाकी ये आपको पता है कि यार फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ द लेस क्राउडिंग, मैंने आपको बताया हुआ है पीछे वीडियोज में कि कैसे करने पर क्या होता है। ठीक है, हाँ गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, सुबह लिख लीजिए कि ओनली एलिफेटिक मिथाइल कीटोन एंड ऑल द एल्डिहाइड्स, आइदर एसिटाल्डिहाइड हो, मतलब आइदर एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड, ऑल द एल्डिहाइड will pass through this reaction. ठीक है, कीटोन में आपका एलिफेटिक का मिथाइल कीटोन, जैसे एसीटोन हो गया, बस यूं कहो। इसके अलावा एल्डिहाइड सारे पास करेंगे लेकिन कीटोन पास नहीं करेंगे, वो किसी क्राउडिंग का चक्कर पड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट बना लूंगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ
मान लो ऐसे एग्जाम्पल ले लिया एक मैंने, तब मैं ब्रोडोमिन बना पाऊँ। एल्डिहाइड में से आप मिथाइल का ही कीटोन लोगे, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन ही लोगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। मिथाइल कीटोन का मतलब ये भी हो सकता है यार, एक तरफ सी एच थ्री और एक तरफ सी टू एच फाइव चल जाएगा, क्योंकि एक तरफ मिथाइल हो, नो डाउट, ओके, ये भी चला जाएगा रिएक्शन, लेकिन ये नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा क्रमिक में। बाकी एल्डिहाइड में आप एस्टरल्डिहाइड लो, बेंजल्डिहाइड लो, आप किसी को भी इसके साथ रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, आप प्रोडक्ट किसी का बना सकते हो, डजंट मैटर, बनाया जा सकता है, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड का बन सकता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का बन सकता है, बट आप कंडीशन रखनी कीटोन में सेफ असर क्या आएगा, मिथाइल कीटोन। ठीक है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे। प्लीज़ मेरे कोड को रिमाइंड में रखो, मेरा कोड धीरेन, दैट इज डी एच आई आर ई एन, यही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है, और हमारे जितने भी फैसिलिटीज हैं उसका फ़ायदा उठाइए, हमारी ऐप डाउनलोड करिए, ओके, और कोशिश हो सके तो जल्दी से जल्दी आप जो हमारा पुराना प्राइस है उसी पे आप परचेस करो, क्योंकि नए प्राइस पे आपको महंगा पड़ जाएगा यार, ठीक है, और पढ़ना तो है ही, ठीक, तो फटाफट से ऐसा कर लो, ओके। अब इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन बताता हूँ। इस रिएक्शन का एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन करने का काम आता है। प्यूरिफिकेशन मतलब होता क्या है, आपके पास इम्प्योर एल्डिहाइड उसके अंदर गंदगी है या इम्प्योर कीटोन में एसीटोन है, तो आपको उसको प्योरीफाई करना है। उसको प्योरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए ये इसका एप्लीकेशन है। होता यह है कि जो आपका एडिट प्रोडक्ट बनता है, इसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बुलाते हैं या एडिशन के बाद प्रोडक्ट बुलाते हैं, इसको कुछ बुक्स एडिट प्रोडक्ट लिखती है। एडिट प्रोडक्ट लिखने का मतलब ये है कि एडिशन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का नाम दिया हमने एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो एडिट प्रोडक्ट हमारा बना, इसको प्योरीफाई भी किया जा सकता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे एक तरफ कोच ले लेता हूँ, एक तरफ SO3N ले लेता हूँ। तो अगर आप चाहे इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में डालो, चाहे आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस में डालो, किसी में भी डाल सकते हो यार, ठीक है। मैं अभी फिलहाल मैं इसको NH में वापस डाल रहा हूँ, कॉन्ग एन एच में स्ट्रॉन्ग बेस में डाल रहा हूँ। जैसे मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ये जो एल्डिहाइड है ये वापस मिल जाएगा, जो एल्डिहाइड मुझे वापस मिल जाएगा, प्लस बाय प्रोडक्ट में NO2SO3 निकल जाएगा। इससे मेरा मतलब नहीं है कि कह सकते हो NO2SO3 ने सारी गंदगी खींच ली अपने साथ साथ, और आपको यहाँ पे जो एल्डिहाइड आया वो हमारा प्योर एल्डिहाइड आया। मतलब पहले हमारे पास कोई इम्प्योर एल्डिहाइड था, उसके बाद आपने उसको NaHSO3 के सोल्यूशन में डाला, उससे उसकी PBT बनी, उसके बाद उसने आपको चेंजेस किए, उसमें आपने फिर से कार्बन कॉन्क NH डाल दिया, तो वापस जो आपको एल्डिहाइड मिलाना बचे वो पहले एल्डिहाइड कंपेयर में प्योर है, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री लैब में हमेशा प्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है, अदरवाइज जो डाटा एनालिसिस करते टाइम कितना अमाउंट बना उसमें वेरिएशन आने लगता है। हम लोग इसी को क्वालिटेटिव और क्वान्टिटिव एनालिसिस बुलाते हैं। आप हमेशा पढ़ते आते होंगे कि किस क्वालिटी का मान लो हमने एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है, किस क्वालिटी का ऑब्टेन हुआ या कितनी क्वान्टिटी में एल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ। भाई आप लैब में ऑब्टेन कर रहे हो, उसकी प्योरिफिकेशन को चेक कर रहे हो, या वो कितना रिएक्टिव है या कितना लेस रिएक्टिव है, उसका प्योरिटी कितनी है, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना वो रिएक्शन में मैक्सिमम अमाउंट पार्टिसिपेट करेगा और उतना एरर कम आएगा। तो आप कहो एरर से बचने के लिए, आप कहो कि प्योर अमाउंट ऑब्टेन करने के लिए, आप कहो एग्जैक्ट अमाउंट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो याद रहने वाली बात यह है कि कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस डालो, एडक्ट प्रोडक्ट में आपको रिएक्शन रिवर्सिबल मिल जाएगी, मतलब यूँ कहूँ कि प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप किसी इम्प्योर एल्डिहाइड से प्योर एल्डिहाइड की तरफ जा सकते हो, ठीक है, फॉलोड बाय पहले NaHSO3 डाला,
ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो आप किसी इम्प्योर से किसी प्योर एल्डिहाइड की तरफ मूव आउट कर सकते हो। ओके, तो याद रखना प्लीज यार, लैब में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जब आप लैब में जाओगे तो पहले सॉल्यूशन को प्योर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चल के कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके आगे पीछे, ठीक है। चलो गाइस बढ़ते हैं आगे, ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई। अब हमारी आएगी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में हम क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे, तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद अल्कोहल्स। ठीक है, मैं पहले अल्कोहल्स में दो पार्ट में कर देता हूँ। ये है रिएक्शन विद अल्कोहल्स किसका, एल्डिहाइड का, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अल्कोहल्स। फिर कीटोन का कर लेंगे। जब भी एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो देखो यार लॉजिकली सोचो, आपको पता है कि अल्कोहल के पास एज ए न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी होती है और एज ए इलेक्ट्रोफाइल की भी होती है, डिपेंड करता है आप उसका जरूरत में कैसे साथ लेते हो। अभी तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, साफ साफ लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब मैं इसके इस लोन पर को लूँगा और ये अटैक कर, जब करूंगा ऐसा यहाँ पे H, यहाँ पे R, यहाँ पे मान के चलो ऊपर से अटैक हो रहा है O, R H पॉजिटिव और यहाँ पे O माइनस आ गया। अब आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती है। जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अच्छी बात नहीं होगी तो तुरंत ही बाउंड क्या करेगा, टूटेगा। और माय डियर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है क्या, ये OH यहाँ चला आएगा, तो इसको हम लोग OR बुलाते हैं, इसको हम लोग OH बुलाते हैं, ये ऐसे कैसे, इसका नाम होता है हेमी एसिटल। क्या नाम होता है, हेमी एसिटल। लेकिन चूंकि ये भी हेमी है तो कंप्लीट एसिटल बनाया जा सकता है, कंप्लीट एसिटल बनाया जा सकता है। आप कुछ नहीं करोगे, इसको फिर से अल्कोहल से रिएक्ट करा दोगे, फिर से कराओगे तो आपको पता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आपने इस बार थोड़ा यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, सीधे सीधे आप क्या आ जाएगा, ओ आर और ओ आर आ जाएगा ऐसे कर से। तो इसको अपन लोग बुलाएंगे एसिटल। तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन की कैप्सूल की बात करूँ, ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन की कैप्सूल की बात करूँ, तो मेरे पास ये एल्डिहाइड था और मैं इसको अल्कोहल के दो मोल से रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। मैं ओवरऑल कैप्सूल की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, दिस जस्ट अ कैप्सूल ऑफ दिस रिएक्शन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप मैकेनिज्म जानते हो तो बहुत बढ़िया है, और लेकिन आप प्रोडक्ट को आपको अगर दिमाग में है तो आप खड़क से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये हमारा एसिटिल प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो मैंने एल्डिहाइड को ही लिया है क्योंकि एसिटल बना रहा हूँ। कीटोन लेते हैं तो कीटल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, कीटल। एल्डिहाइड होता है तो एसिटल और कीटोन होता है तो कीटल। अब जैसे ये हमारा अल्कोहल रिएक्ट करता है वैसे थायोल्स भी रिएक्ट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ थायोल्स की रिएक्शन, एकदम सेम मैकेनिज्म चलती है यार। थायोल कुछ ऐसे होते हैं जैसे अल्कोहल ROH होता है ना, ठीक है, तो वो O की जगह और कुछ नहीं S आ जाता है, ठीक है, सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट मैं इसका सिर्फ कैप्सूल लिख रहा हूँ, यहाँ आ जाता है SR और कुछ बुक्स तो उसको ब्रेक भी कर देती हैं, जब आप इसको चाहो तो आगे फर्दर निकल के साथ हाइड्रोजन में डाल के अलग कर सकते हो, निकल के साथ हाइड्रोजन मिला के आप इसको अलग कर सकते हो। जैसे आप इसको अलग करोगे तो आपको, ठीक है, निकल के साथ सल्फाइड चला जाएगा और यहाँ आपके साथ HS आ जाएगा प्लस RH भी आएगा जो आप यहाँ पे लेते हो, इसके अलावा प्लस NiS बाहर निकलेगा, ठीक है।
तो वो हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट हाँ ये कि आप दो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्केन ऑप्टेन कर सकते हो। दो डिफरेंट टाइप इसलिए बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि आपका आर कैसा है, मैं उसको आर डैश लिख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा थायो ऑल्सिलेशन था, मैकेनिज्म वही है, उसके लोन पर को उठाना, अटैक कराना, फिर दूसरे को उठाना और प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यही काम जब हम कीटोन के साथ करेंगे, ये एल्डिहाइड के साथ कर रहा था मैं, तो कीटोन में एक स्पेशल रिएक्शन होती है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको अपन लोग इथाइलीन ग्लाइकॉल बुलाते हैं, इथाइलीन ग्लाइकॉल बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा कीटोन है ये बेटा, ये कुछ ऐसे जाता है, अब बस ऐसे समझो कि पानी मैंने यहाँ से हीट करके बाहर निकाल दिया, तो ये कुछ ऐसे बन गया। इसको बुलाते हैं इथाइलीन ग्लाइकॉल साइक्लिक कीटल, इथाइलीन ग्लाइकॉल साइक्लिक कीटल। ये साइक्लिक कीटल क्यों और यूज कर रहा हूँ, देखो सॉरी आपको पता चल रहा होगा, साइकिल बन रही है, देखो एक साइकिल बन रही है, ये कंप्लीट साइकिल चल रही है। कीटल क्यों, कीटल मैंने आपको बताया कि कीटोन की वजह से आता है कीटल वर्ड, और इथाइलीन ग्लाइकॉल आप ऊपर से देख रहे हो, तो इथाइलीन ग्लाइकॉल साइक्लिक कीटल का आपके सामने प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होता है। बढ़ सकते हैं आगे, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं भाई, मेरी प्रैक्टिस है, आप जितने क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा फायदा होगा, उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, अपने एग्जाम को उतना इजीली क्रैक कर पाओगे, क्योंकि यार प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। थ्योरी पढ़ तो सब लोग पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को जरूर अटैम्प करो, पीवाईक्यू को जरूर अटैम्प करो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को यूज़ करो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को करो। ठीक है, अच्छी बुक यूज़ करो, डिफरेंट डिफरेंट मतलब आप एक पकड़ लो लेकिन अच्छी हो, जैसे ऑर्गेनिक के लिए आप मानशु पांडे या नरे या एम एस चौहान में से कुछ एक पकड़ सकते हो। ठीक है, मानशु पांडे या एम एस चौहान में से कुछ भी एक पकड़ सकते हो, दोनों अच्छी बुक है अपने आप में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ टैकल करने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी तो कितना भी कर लो सब प्रैक्टिस है यार। जिस एग्जाम में आपको ये दे देगा कि मान लेना ठीक है, और आपसे बोलेगा कि इसको हीट करके इसका प्रोडक्ट बनाइए, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रोडक्ट का रिप्लाई दीजिएगा। करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है इसमें, ये पानी के स्रोत है, इसको बाहर निकालने आपने, ये मान लीजिएगा एसीटोन है, चलिए ठीक है, और इसको जाके वहां चिपका दीजिएगा। तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट, एक साइक्लिक प्रोडक्ट ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट बना के देखना, प्रोडक्ट बन जाएगा बहुत इजीली। चलो बढ़ते हैं गाइड आगे। नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, कावेलेंट ग्रुप को आप जब PCl5 से रिएक्ट कराते हो तो आप कुछ इसको ऐसे लिख लो यार, एक्चुअली जो मुझे हीट करके प्रोडक्ट निकालना है ना वो थोड़ा एकदम अलग है, मैं इसको हीट करके ये बाहर करने वाला हूँ बहुत साफ, और प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ, यहाँ ClCl ये वैसे वैसे प्लस बाहर निकालूंगा POCl, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनेगा यार। ठीक है, और DCM बोलते हैं इसको,
डाइक्लोरोमिथेन बोलो या अगर कुछ भी लगाना है आपको लगा सकते हो, डाइक्लोरो एस्टरडिहाइड बोल सकते हो, डाइक्लोरोकिटोन बोल सकते हो, ठीक है, मतलब डाइक्लोरो ग्रुप आपके हाथ में लग जाते हैं। जैसे मान लो तो जब मैंने एस्टरडिहाइड ले लिया, उसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो एस्टरडिहाइड, इसका बहुत बड़ा रोल रिएजेंट्स में है। ठीक है, और ये तो फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड है, ठीक है, फालतू प्रोडक्ट है यार। ठीक है, बाकी मैंने आपको ग्रिगनार्ड सिखाया है कि ग्रिगनार्ड से कैसे इसका क्या रोल होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे स्टार लगा लो यार, बहुत बहुत बार एग्जाम में आता है। दिस इज व्हाट दिस इज रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये अमोनिया और डेरिवेटिव्स हैं क्या? पहले तो डेरिवेटिव्स, अमोनिया आपने पढ़ा होगा, आपने अमोनिया पढ़ा होगा, NH3 का अमोनिया बुलाते हैं यार। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं NH2Z, तो ये इस अमोनिया का डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे ना अब डेप्थ में घुसेंगे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ जेड्स आएंगे, बहुत ऑफ टाइप ऑफ जेड आएंगे। आप जेड में एक बार R रखोगे, एक बार जेड में OH रखोगे, जेड में H खुद रखोगे, जेड में NH2 रखोगे, एंड फलाना फलाना भी शुरू करते हैं। तो अमोनिया से जो डेरिवेटिव बनते हैं उसको बोलते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव। अब मैं आपको पहले इस रिएक्शन की कैप्सूल बता देता हूँ, पहले मैं आपको रिएक्शन की कैप्सूल बता देता हूँ और फिर मैं आपको इसको प्रोडक्ट बताऊंगा। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड NZ है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड NZ पड़ रहा है, तो ये मेरा प्रोडक्ट बनता है। प्लस पानी आप बाहर निकाल दीजिएगा, उसे मतलब नहीं मेरे। अब इसकी मैकेनिज्म बहुत तगड़ी है, लेकिन अगर आपको एक बार मैकेनिज्म समझ में आ गई तो यार क्वेश्चन इजी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई कार्बन ग्रुप है और आपके पास NH2Z है, तो आप चूंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करने वाले हो, तो इसके लोन पेयर को इस पर अटैक करने वाले हो एज अ बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल। तो कुछ प्रोडक्ट यहाँ बना ले रहा हूँ, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा CO- ये वैसे का वैसे, यहाँ आ जाएगा NHHHZ और यहाँ पहुँच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पहुँच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चूंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात तो है नहीं, तो अब ये बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे HPS खाली होगा, ये HPS ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा COH, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ NHZ आ जाएगा। ठीक है, नहीं जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका NZH। ठीक है, अब देखिए होने क्या वाला होता है, यहाँ पे आप इसको एसिडिक मीडियम में कराते हो, थोड़ा सा एसिड डालते हो। ठीक है, ज्यादा एसिड भी मत डाल देना, नहीं तो ये बेस और एसिड अपने आप में जुगाड़ सेट कर लेंगे, और तगड़ा एसिड भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये OHH पॉजिटिव, यहाँ NZ और लोन पर आने लगता है। ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ यार, ठीक है, अब आपको पता है कि यार ऑक्सीजन पॉजिटिव का अच्छी बात नहीं है, तो खटक से फुट से ये बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, जैसे टूटेगा तो ये तुरंत अपनी बैक बॉन्डिंग दिखाने लग जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या पॉजिटिव। ठीक है, पानी बाहर निकलेगा और फिर ये H+ जो है ये यहाँ से अलग हो जाएगा, और कह सकते हो कि H2 और H+ अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको तो मतलब इससे ये आपका एडक्ट प्रोडक्ट आया है, जो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनना चाहिए था, आपको ये प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे
कि आप कर क्या रहे हो, आप कार्बोनिल ग्रुप को NH2Z से रिएक्ट करा के फाइनली होते होते यहाँ पहुँच गए। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जाम में मैकेनिज्म का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, अब ये जेड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से जेड होते हैं, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा यार, टाइप्स ऑफ जेड। जेड के तौर पर सबसे पहला जेड को मैं लूंगा एच। ठीक है, तो मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि मेरा ये कार्बोनिल ग्रुप है और मैं इसको NH2H से रिएक्ट करा रहा हूँ। मेन इसके नाम का अंतर है, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं, बहुत कम एसिडिक भी नहीं। ठीक है, अब मैं मैकेनिज्म बार बार करूँ क्या? आई डोंट थिंक सो। मुझे धीरे धीरे कैप्सूल लिखनी चाहिए। चलो फिर भी एक बार कर देता हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा यार। ठीक है, ये आप फिर से वही कर रहे हो जो मैंने पीछे किया। ये OH, ये NH, Z की जगह इस बार तो मैं H लिख सकता हूँ ना यार। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, ज़्यादा अच्छा होगा इसका कलर। ये H है मेरा, Z है, ये मेरा Z है, और ये मेरा H के फॉर्म में ये मेरा Z है। ठीक है, बाकी सब वैसे के वैसे हैं, है ना। और एक H यहाँ पे था, ये H पॉजिटिव, अच्छी अच्छी बात है, नहीं बॉन्ड खुला होगा। ठीक है, ये आपका O माइनस था, ये आपका बन गया COH NH, और ये H वाला Z वाला H। ठीक है, फिर से भाई एच प्लस खुला, खुलने के बाद कार्बो कटन यहाँ पहुँचा, डबल बॉन्ड NH आया, ये H आया, और यहाँ से आपने स्क्वायर कर दिया तो फाइनली C डबल बॉन्ड NH मिल गया। तो आप देख पा रहे हो कितना आसान चीज़ है, कितना आसान चीज़ है। आपको दिमाग बस इस बात पे लगाना है कि C डबल बॉन्ड NZ बन गया, C डबल बॉन्ड NZ बन गया। ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं वो जेड जिसको मैंने H के तौर पे लिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट खेल क्या है, इम्पोर्टेंट खेल है, इसको बुलाते हैं अमोनिया, कुछ नया नहीं। इसको बुलाते हैं आयनाइन। अमोनिया का जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बना आफ्टर द रिएक्शन विद कार्बोनिल, तो बना हमारा आयनाइन बना। ठीक है, अब एग्जाम में क्या कर देगा, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन देगा, बोलेगा हमने इसे रिएक्ट करा और हीट करो H+। बोलेगा लोग सोचेंगे क्या कर रहा है, पता नहीं क्या क्वेश्चन दे रखा। वो ऐसे नहीं लिखेगा NH2H, वो NH3 ही लिखेगा यार, वो NH3 ही लिखेगा। तो आप खुद बुद्धि लगाओगे कि हाँ यार कार्बोनिल ग्रुप है, NH2H लिख सकता हूँ, थोड़ा सा एसिड पड़ा हुआ है, हीट करने को कह रहा है, तो मैं C डबल बॉन्ड NH बनाऊंगा। ये दिमाग तुम लगाओगे यार, ये दिमाग तुम लगाओगे एग्जाम हॉल में कि यार अमोनिया दिख जाए कार्बोनिल ग्रुप के साथ एसिडिक मीडियम में, तो अमोनिया का डेरिवेटिव बनना ही बनना है। ठीक है, मतलब एडक प्रोडक्ट बनना ही बनना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो होनी ही होनी। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट पे था। अब आएगा नंबर टू पे, नंबर टू पे आएगा रिएक्शन विद मतलब मैं जेड की जगह ले लेता हूँ आर, ऐसे ले लू कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ NH2R। अब मैं नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट मैकेनिज्म, तो सी डबल बॉन्ड NR बन जाएगा, प्लस बार बड़ा दर निकाल देगा। ये हमारा आपको पता है एमाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड आयनाइन। थोड़ा हाईलाइट कर दूं उसको, सब्सटीट्यूटेड आयनाइन। या इसको कुछ लोग शिफ्ट्स बेस भी बुलाती हैं, शिफ्ट्स बेस के नाम से जाना जाता है। सब्सटीट्यूटेड आयनाइन बोलो या शिफ्ट्स बेस बोलो, बात इसकी एक ही हो जाती है। ओके, अब एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा,
और बोल देगा कि CH3, CH2, CH2, NH2। मान लो थोड़ा लेट ऑपरेशन स्लो होगा, मुझे पता है उसका ध्यान में दे नहीं दे रहा, तो मुझे बोलना प्रोडक्ट पता, मैं क्या करूँगा, सी डबल बॉन्ड ओ को सी डबल बॉन्ड एन में कन्वर्ट कर दूंगा। और देखो जेड वाला पार्ट क्या है, NH2, ये वाला पार्ट जेड, ये बन जाएगा CH2, CH2, CH3। ठीक है, आई होप बहुत बहुत सिंपल चीज़ है यार, बहुत सिंपल प्रोडक्ट बन गया, था ही नहीं। तो आपको दिखने में कॉम्प्लिकेट लगेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा है कुछ भी नहीं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा है कुछ भी नहीं। ऑर्गेनिक की जो ब्यूटी है वो ये है कि अगर आपको मैकेनिज्म पता है ना, तो भाई मेरे आप क्वेश्चन बहुत ईजिली अटैम्प कर सकते हो, बहुत ईजिली अटैम्प किया जा सकता है। ठीक है, थोड़े कंसेप्ट पता है, जीओसी स्ट्रॉन्ग है, आइसमरिज्म स्ट्रॉन्ग है, मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है, ये तीन चैप्टर को अपना मतलब सबसे की मान लो कि हाँ भैया ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट की है, ये अगर मुझे आ गई तो ऑर्गेनिक तो सटा सटा जाएगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा तगड़ा तोड़ नहीं आओगे अपने आप में। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आएगा गाइस जेड की वैल्यू, यहाँ पे आर ली है, अब मैं जेड की जगह ओएस लूंगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, मान लेते हैं ये बन जाएगा एनएच टू आर, की जगह आ जाएगा एनएच टू, तो मान लेते हैं मेरा कोई टॉवलिंग ग्रुप है, ये एनएच टू ओएच है, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड एन ओएच। अब ये मेरा नाम का खेल, मैंने आपसे कहा था बार बार नाम इंपॉर्टेंट है, इसको अपन लोग हाइड्रोक्सिलमाइन बुलाते हैं, हाइड्रोक्सिलमाइन बुलाते हैं, और इसको अपन लोग ऑक्साइन बुलाते हैं। ये मेरा हाइड्रोक्सिलमाइन है और वो मेरा ऑक्साइन है। ठीक है, बाकी तुम्हें कुछ भी प्रोडक्ट बनाना हो, जैसे मान लो ये आ जाए, वही आ जाए, आपसे बोले प्रोडक्ट बनाओ इसका, तो बहुत बहुत सिंपल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। सी डबल बॉन्ड ओ की जगह हम कर सकते हैं सी डबल बॉन्ड एन जेड, बस बनने को। तो मैकेनिज्म पता है, एक बार जाननी थी काफी। ठीक, चलो अब फोर्थ, फोर्थ आएगा जेड की जगह आप रखो एनएच टू, अगर ये क्या भाई, तो हाँ भाई ये देखो बहुत अलग है एकदम, ये ऐसे है C डबल बॉन्ड O NH2 NH2। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि ये वाला आपका पार्ट Z है। ठीक है, ये आपका पार्ट Z है। ठीक, तो प्रोडक्ट जो बनेगा C डबल बॉन्ड NZ, इसको अपन लोग ना हाइड्राजाइन बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, हाइड्राजाइन। और जो प्रोडक्ट बनता है ना भैया, वो हाइड्राजोन बनता है। रिएक्टिंग में आप हाइड्राजाइन पे होते हो, प्रोडक्ट जब बनाते हो तो हाइड्राजोन का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एक बार उन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा था, बहुत अच्छे उसको रॉन्ग करके आए थे, उन्होंने ऐसे लिख दिया था NH2 BH2 ND2। अब यहाँ थोड़ी देर में बुद्धि लगानी है कि किसके लोन पेयर से अटैक करना चाहिए और किसके बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए, ये तुम्हारा दिमाग होगा। आइदर दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, आपको बता देता हूँ, एक ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि आपके साथ धोखा तो नहीं हुआ है, हैं? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट सही होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ए या बी। मैं इसको आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ, अभी तक का पहला क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आपसे मैं पूछ रहा हूँ। इतना हिंट दूंगा कि हाइड्रोजन की जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है वो ट्यूटोरियम से ज़्यादा होती है, और ये हिंट नहीं है, ये आंसर है, अगर तुम बुद्धि लगा पाओ तो। ठीक है,
हाइड्रोजन की जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है वो ड्यूटेरियम से ज़्यादा होती है, और दूसरा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो डायनेमिक होता है और जो ड्यूटेरियम का बॉन्ड होता है वो स्टैटिक होता है। नाउ ये दो बातें जो बता दी हैं इसी के पीछे आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट बॉक्स में यार कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तो हम क्या करते हैं, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला आएगा Z के तौर पर NH2, यहां आ जाएगा ऐसे NH। ये आपका Z वाला हिस्सा हो जाएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, सी डबल बॉन्ड हो आपके पास क्या है, ये है NH2 NH, और कुछ ऐसे इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजाइन। और जो प्रोडक्ट बन जाएगा इससे आपको पता ही है, आपको पता ही है कि मैं सी डबल बॉन्ड ओ को लिख सकता हूँ सी डबल बॉन्ड NZ, Z को लिख सकता हूँ NH, और यहाँ मैं PH लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। तो आप पहले प्योर हाइड्राजाइन पे थे और फिर जोन पे गए, अब आप फिनाइल हाइड्राजाइन पे हो तो फिनाइल हाइड्राजोन पे जाना, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर मान लेना। इसके अलावा अगर थोड़ा सा चेंज आता है इसमें, ये जेड की जगह रखते हैं, ये ठीक है, बहुत बहुत फेमस रिएक्शन है ये, इसमें स्टार लगा देना यार, प्रोडक्ट बनता ही बनता है सी डबल बॉन्ड NZ, दैट इज NH, बेंजीन रिंग, यस यस। इसका नाम बड़ा खूबसूरत है यार, वो बोलते हैं 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, क्या बोला मैंने, 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये क्या रहा होगा, 2 क्यों भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, बताइए जो समझता, 2.4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, बस जाइन बन गया जोन। इसको एक टेस्ट के नाम से जानते हैं, इस टेस्ट का नाम होता है 2.4 DNP टेस्ट। ये जब स्पेशल एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ोगे तो ये वहाँ जरूर काम आता है कि भाई इसकी जो पीपीटी होती है वो ऑरेंज रेड पीपीटी होती है, जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो बनेगा। तो ये जैसे मान लो एग्जाम में आएगा कंपाउंड ए है, वो डीएनपी टेस्ट जा रहा है, समझ जाओगे कि वो कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर है, समझ जाओगे उस ग्रुप के अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रक्चर है, मतलब वो अल्कोहल अल्कोहल नहीं हो सकता, या अमाइंस नहीं हो सकता, या कुछ और नहीं हो सकता। तो आप ना जब ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो ABCD टाइप क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको उसका टेस्ट के नाम पे पता होना चाहिए। वैसे मेरा एक मूड है कि मैं POC नाम का टॉपिक पढ़ाऊँ, POC में मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसमें जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे एक तरफ करवा दूंगा। मेरी सीरीज एकदम आप सभी से डिफरेंट होगी, ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ यार इफेक्टिव बहुत है। जैसे मैं कुछ चैप्टर वाइज नहीं चलूंगा, जैसे ये मेरी सीरीज खत्म होगी तो मेरा अगला मोटिव है कि मैं नेम रिएक्शन पढ़ाऊँ, और फिर मैं पढ़ाऊँ रिएजेंट्स, या रिएजेंट्स पहले या नेम रिएक्शन बाद में, वो डिसाइड कर लेंगे। उससे होगा पता है क्या है, उससे आप पूरी केमिस्ट्री को समझ पाओगे। क्लास 12th या 11th के छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल फिनॉल्स पढ़ेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे,
वो आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, उसको रट रहे हो, क्योंकि आप उसके दायरे में सीमित हो चुके हो। अभी देखो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन का टॉपिक, ये इससे पहले पढ़ाया था हमने हैलोजन्स का टॉपिक, इससे पहले पढ़ाया था अल्कोहल चैप्टर वाले का टॉपिक, तो सब मर्ज हो जाएगा। जब ये मर्ज होगा ना, तो आपको एहसास होगा कि हाँ यार, ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म से जा रही है, ये मैकेनिज्म हमारे कोर्स में ये है। इससे आप जब चैप्टर पढ़ोगे, आपको इतना आसान लगेगा, अरे यार लगेगा कि मैं चैप्टर वाइज क्यों पढ़ रहा था। ठीक है, आप यार जेई के स्टूडेंट हो, एक लेवल है आपका, उस लेवल को मेंटेन करो यार। एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाए, आप एक बार आपका नेम रिएक्शन हो जाए, रिएजेंट हो जाए, आपको मैं छोड़ दूंगा, पूरी ऑर्गेनिक हो गई, फिर आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ कवर हो गया उसमें। एक बार देखना तो क्वेश्चन लगा के। तो अल्टीमेटली बस मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ा सकूं। ठीक है, मैं इसलिए मैंने स्पेशल सोचा रिएक्शन मैकेनिज्म रखूं कि चैप्टर वाइज चलूं, फिर दिमाग में आया नहीं यार चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो फिर एक चीज को 10 बार बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन को 10 बार बताना पड़ेगा, एडिशन को 10 बार बताना पड़ेगा। अच्छा, एक बार बताओ बच्चे को, एक बार बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ यार ये सब्स्टिट्यूशन है, ये तो आप हेलो एल्किसम सब्स्टिट्यूशन देखोगे, अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन देखोगे, कहाँ कहाँ नहीं देखोगे, सब जगह सब्स्टिट्यूशन देखो। एडिशन भी आप हेलो एल्किसम देखोगे, अल्कोहल में देखोगे, एल्डिहाइड देखोगे, तो यार ये चीज़ को 10 बार देखना। अच्छा, आप एक बार पूरा कवर कर लो कि हाँ यार ये रिएक्शन में आती है। ठीक है, हाँ, इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है भाई। जैसे मान लो बोलेगा सर थोड़ा बनाओ, कुछ नहीं करोगे, सीधे बोले वन ओवन जाएगा, सीधे बोले एन जेड की आ जाएगा, एनएच भाई। ठीक है ना, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सेवेंथ आएगा आपका, ये भी अच्छा है, रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड, जेड की जगह रखूंगा मैं NH3CO2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर स्विच स्टार लगा लीजिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ध्यान सुनना, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको फंसाएगा, वो आपको इतने लोन पर दिखा दिखा के कंफ्यूज कर देगा, बोलेगा ले भाई तीन तीन लोन पर है, अब बता किस किस लोन पर को तू एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करवाएगा। तो हमने पढ़ के आया है कि न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो फ्री फॉर्म में, अब जो रेजोनेंस में बिजी है तो उसको फर्क पड़ेगा क्या अटैक करने का, वो बोलेगा भैया मैं तो बिजी हूँ यार, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अटैक करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, अगर थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री की नॉलेज हो गई होगी कि ये दोनों लोन पर कहाँ दिख रहे हैं आपको, रेजोनेंस में दिख रहे हैं, जबकि ये लोन पर क्या है, फ्री फ्रॉम रेजोनेंस है। तो कौन सा लोन पर अटैक करेगा, वो लोन पर अटैक करेगा जो बाइंड नहीं है, जो फ्री फॉर्म है। ठीक है, मैं पूरी भी कैंसिल नहीं कर रहा, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, मैकेनिज्म पूरी नहीं कर रहा, दिमाग में था करूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई देयर आर टू एन एच टू ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, इसको सेमी कार्बाजाइड बुलाते हैं भैया, सेमी कार्बाजाइड जाइड, और यहां आता है सेमी कार्बाजोन। ये भाई साहब जाइड है और ये हमारे भाई साहब जोन है। एग्जाम में आता है कि देयर आर टू एन एच टू ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, बट ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ओनली वन इज पार्टिसिपेट एज अ रिएक्शन, तो भैया बट ऑब्वियस है वो एन एच टू पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो अपना रेजोनेंस में बिजी होगा। अब मैं आपसे कहूँ
कि यार मेरे पास दो एनएच2 ग्रुप है, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक बेटा एनएच2 ग्रुप बेटा ये है, एक बेटा एनएच2 ग्रुप ये है, जरा इसका अटैक कराओ। तो वो लोग सर क्या कहता कर रहे हो, ये वाला एनएच2 ग्रुप जो है सही तो रेजोनेंस में बिजी है, मैं कैसे अटैक करा सकता हूँ। तो अल्टीमेटली सीखने को हमको ये मिला कि हमको उस एनएच2 को कंसिडर करना है जो एनएच2 का लोन पेयर फ्री फॉर्म में हो और वो रेडी हो कि हाँ यार मैं इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पोस्ट करूंगा, मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये बात का पता आपको होना चाहिए। अब एग्जाम में इतना नलायक ऐसे क्वेश्चन देगा, ये ऐसे कर देगा या ऐसे लिख देगा, बोलेगा प्रोडक्ट बना, बोलेगा प्रोडक्ट बना, तो आप क्या करोगे, मजबूरन इसको उठाओगे कि आपको एन एस टू जेड दिख रहा है, दिमाग लगाया नहीं होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ ये हमारा सेट है क्योंकि तो ये लोन पेयर फ्री फॉर्म है। याद रखना जो लोन पेयर कार्बोनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भैया मेरा कार्बोनल ग्रुप, इसके साथ जो एन एस टू डायरेक्टली अटैच्ड है उसके लोन पेयर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पोज नहीं करेंगे क्योंकि वो रेजोनेंस में बिजी है, वो क्यों जाएं अटैक करने, उनको क्या पड़ी अटैक करने की, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला भैया ये बनने वाला है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। एक आध अगर मेरे पास क्वेश्चंस कुछ रखे हैं तो मैं आपको करा देता हूं यार। क्योंकि इस चैप्टर की ब्यूटी यही है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसे तो सब क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, सब मर्ज फॉर्म में होते हैं, आपको परेशान करेंगे बस, ठीक है। आपसे दिमाग चलवाएंगे कि भैया बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, किस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, ऐसे सवाल करेगा आपसे, ठीक है। बाकी मैंने पीवाईक्यू में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं यार, मेरी पीवाईक्यू सीरीज को जरूर देखना, जरूर अटेम्प्ट करना सीरीज को, आपसे रिक्वेस्ट है, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन है तो लेकिन बहुत उच्चा क्वेश्चन है, ठीक है। अरे कर लोगे यार, छोड़ दो, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं कौन से टॉपिक चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है, ठीक। ओके, तो यहाँ तक जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक थे हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस से बनते चले आ रहे हैं वही चल रहे हैं। आज वो टॉपिक खत्म हो गया और मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा देन आई विल गो विद द न्यूक्लियोफिलिक सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हेडिंग डालते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है हेडिंग डालते हैं, उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ से आया होगा। सब्स्टिट्यूशन वर्ड आया होगा सब्स्टिट्यूट करने से, सब्स्टिट्यूशन वर्ड आया होगा सब्स्टिट्यूट करने का। मैंने कहा कि यार मेरे पास कोई एक आर एक्स नाम का सब्सटेंस है और मान लेना कोई एक सब्सटेंस वाई है, वाई ने क्या किया इस एक्स को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले ली, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना। अब वो कैसे किया, इंटरनल कौन सी मैकेनिज्म गई, ये बात की बात है लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कुछ नया ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट हो रहा है। नंबर ऑफ मेंबर जितने थे वो उतने ही हैं, कोई बढ़त नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कोई बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड नहीं है जो ब्रेकिंग करने की बात आएगी यहाँ पे फिलहाल, ओके। ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिग्री में आता है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड ही आया है। मैंने तुम्हें क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया भैया, तुमने जो है एक बोलते ना यार कंपनी में यार तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया है, तुम्हारी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, मतलब किसी और को ले लिया गया है, तुमको हटा रहे हैं वहाँ से, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना। अब सब्स्टिट्यूशन बहुत तरह के होते हैं,
बहुत बोले तो तीन मेन काम क्या आएंगे, एक आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी भी सब कैटेगरी होती है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ न्यूक्लियोफिलिक की, SN1, SN2, SNI, ठीक है, ओके। इसके भी ESR के भी दो होते हैं, डायरेक्ट ESR, इनडायरेक्ट ESR, सब सब पढ़ेंगे यार, ठीक है। तो आज जो मेरा टॉपिक शुरुआत होगा वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, कि क्या होता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक की और फिर लास्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक की, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक में मेन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आएगा, इसलिए उसका सब्स्टिट्यूशन का अमाउंट ज़्यादा, अलग से कहानी पढ़ देते हैं, चैप्टर टॉपिक को अलग से पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एंड डालिएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है मेरी ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कैसे इसे काम लेना है? तो आपने नाम सुना होगा फ्री रेडिकल का, कभी पहले तो सब्स्टिट्यूशन तो बात की बात है, फ्री रेडिकल का आपने नाम सुना होगा कि जब कभी भी बॉन्ड का क्लीवेज होमोलिटिकली होता है और होमोलिटिकली क्लीवेज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बुलाते हैं, और वहाँ पर रेडिकल बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यार ये ClCl है, और आपको पता है कि जब आप इसको क्लीव कर रहे हो तो इसको ऐसे क्लीव कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरा रहे हो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरा रहे हो, उसको बोलते हैं रेडिकल बनना। और ऐसे फिजन, ऐसे ब्रेकिंग, ऐसे क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। इससे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तभी कोई चार्ज नहीं आता। नहीं तो आप जनरली देखते हो कि जब आप बॉन्ड को तोड़ते हो तो चार्ज क्रिएट करते हो, और चार्ज क्रिएट इसलिए करते हो क्योंकि वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक तरफ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि ज़्यादा वाला कम वाले की बैंड बजाता है। तो ओवरऑल कहने का सेंस है कि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, और फ्री रेडिकल जब हम पढ़ लेंगे तो हमको एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई कैसे बॉन्ड की क्लीवेज की जाती है, कैसे बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। जनरली ये कंसेप्ट अल्केन्स के नॉन पोलर में काम आता है, क्योंकि अल्केन्स आर नॉन पोलर और उनके लिए काम आता है, ठीक है। अल्केन्स में स्लाइटली सी पोलैरिटी डेवलप होने लगती है अल्केन्स और अल्काइन में, एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से, ओके। इसलिए अल्कीन्स अल्काइन में इसका ज़्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं है, भी तो बहुत अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। मेन इसका जो रोल है वो हमारा अल्केन्स को लेके जाना है, ओके। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करने वाला हूँ। जैसे मान लेना छोटे बच्चों की तरह कि मान लो मेरे पास मिथेन है, और मैं इस मिथेन को Cl2 से रिएक्ट करा के सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। मैं पहले एक बार ओवरऑल दिखा देता हूँ, फिर इंटरनल मैकेनिज्म में तो जाएंगे। भाई मान लेना कि ये ऐसे है, और अल्केन चूंकि बीइंग अ नॉन पोलर तो ये भी रेडिकल ब्रेक होता है। और कह सकते हो फिलहाल अभी फिलहाल ऐसे कहो कि इस Cl ने इस H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट है, तो ये हमारा क्लोरीनेशन कहलाया। क्या कहलाया? क्लोरीनेशन कराया। अगर तुमने एक बार किया इसलिए उसको बोलते हैं मोनोक्लोरीनेशन, ठीक है। आप दो बार करोगे यही चीज को CH3Cl को, फिर से करोगे Cl2 को यूवी लाइट के साथ, तो यह आएगा आपका CH2Cl2, फिर करना चाहो फिर कर लो, यह आएगा CHCl3, फिर करना चाहो फिर कर लो। अब क्या कर पाओगे क्या नहीं, तो अल्टीमेटली तुम क्या देख रहे हो, सारे के सारे एच Cl से क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, या यूं कहूँ कि Cl सारे एच को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इसके पीछे कहानी बहुत सारी है, बहुत सारी कहानी छुपी हुई है।
एक एक करके उन कहानी को समझते हैं। तो आइए हेडिंग डाल दीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ने। सबसे पहले इसके तीन स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप में क्या होता है, ये जो आप कोई भी हेलोजन लेते हो, XX ले रहा हूँ, जनरली आप CLFER लेते हो, बताऊंगा कब कहाँ क्या लेते हैं। आप हेलोजन लेते हो और आप इसको यूवी लाइट प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज दिखाते हो, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप है। अगला आता है हमारा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन में क्या होता है, आप ये RH लेते हो, वो एल्केन लेते हो और इसके रेडिकल से इसका इंट्रैक्शन कराते हो। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, यही इंपॉर्टेंट बात छुपी है। जब आपने इसको ऐसे ब्रेक किया, एक रेडिकल यहाँ आया होगा, एक रेडिकल यहाँ आया होगा, नो डाउट। अब ये जो रेडिकल है एच वाला और जो है अल्काइल ग्रुप वाला, इनमें से ज्यादा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी किसकी है, ज्यादा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो आंसर इस एच वाले रेडिकल की ज्यादा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। इसलिए एच वाला रेडिकल जो है वो पहले जाएगा एस कंपेयर्ड टू एक्स वाले रेडिकल के। ये जो एच वाला रेडिकल है वो पहले जाएगा एस कंपेयर्ड टू आर वाले रेडिकल के। तो यहाँ पे एक आर का रेडिकल अकेला रह जाएगा और एक आपको एच एक्स बनते हुए आएगा, आएगा ओके। और फिर ये जो आपका आर रेडिकल आपको दिख रहा है या फिर से किसी दूसरे मोल ऑफ एक्स टू से रिएक्ट कराओगे, ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, तो फाइनली आपको आर एक्स बन जाएगा प्लस एक्स रेडिकल निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका मेन अल्काइल हैलाइड बन गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यार, हो सकता है कि वहाँ ना दिखाई दे आपको। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस टाइप को परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने ये स्टेप सेकंड किया। एक लास्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर थर्ड, इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप बुलाते हैं। चेन टर्मिनेशन स्टेप बुलाते हैं। इस स्टेप की जो खासियत होती है वो क्या होती है, जो मेन बाय प्रोडक्ट बचते हैं इन सबको अलग करना है। जैसे एक आर रेडिकल बनेगा तो एक आर आर बचेगा, दूसरा एक एक्स एक्स बचेंगे, एक्स एक्स के रेडिकल बचेंगे, और तीसरा कुछ आर और एक्स अलग बच जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन तुम्हारा ये है कि तुम्हारा अल्काइल हैलाइड बन गया, तुम्हारा अल्काइल हैलाइड बन गया यार। ठीक है, इसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया वाया फ्री रेडिकल की हेल्प की मैकेनिज्म से किया, इसलिए हमने इसका नाम रखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक बार देख लो, सबसे पहले मैंने इसको रेडिकली ब्रेक किया, दूसरे स्टेप में मैंने प्रोपोगेशन किया, प्रोपोगेशन करने के लिए मैंने इसको लिया एक रेडिकल एक मोल को और ये आर एच से रिएक्ट कराया, आर एच के रेडिकल को ब्रेक किया, हाइड्रोजन की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से आर रेडिकल अलग रह गया और एच एक्स अलग हो गया। फिर ये जो आर रेडिकल अलग हुआ था उसको मैंने फिर से एक्स टू से रिएक्ट कराया और फाइनली अब मुझे क्या मिल गया, आर एक्स मिल गया, एक्स रेडिकल अलग हो गया। ठीक है, इसके अलावा बाय प्रोडक्ट में जो बचता है छोटा मोटा टर्मिनेशन करने के लिए, तो कुछ ये हल्का हल्का बचा होगा, कुछ ये बचा होगा, कुछ ये बचा होगा। इसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया। अब देखो ये बात आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू GOC फर्स्ट आपने ये पढ़ा होगा कि जो फ्री रेडिकल सब फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
स्टेबिलिटी जो होती है इनकी, जिनकी स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। सेम एस कार्बोकैटायन जो हम पढ़ के आए हैं, इसका भी हम यहाँ यूज़ लेंगे और इसका भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कब कब क्या प्रोडक्ट बनता है। तो शुरुआत करते हैं यार, शुरुआत करते हैं दोस्त। सबसे पहला काम तो अभी मैं सिंपल सिखा रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले क्लोरीनेशन करना सिखा रहा हूँ, एकदम बताऊँगा कि क्लोरीनेशन कब कब कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या क्या प्रोडक्ट में कौन कौन से कैटलिस्ट में क्या क्या होता है। तो जनरली क्लोरीनेशन चार से पाँच मीडियम में करते हैं। पहला मीडियम सबको पता है, यूवी लाइट डालते हैं उसको, तो सनलाइट दिलाते हो। इसके अलावा इसको परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी किया जाता है, परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा इसको अपन लोग टेट्राइथाइलिन लेड होता है, टेल बुलाते हैं, टेट्राइथाइलिन लेड। करते हो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रखोगे, करीबन 150 से लेकर 200 के बीच में करीबन करीबन, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको डार्क रूम में भी कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई देना पड़ेगा। इन द डार्क रूम एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसको जो बुक्स लिखती हूँ 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस करीब लिखती है, इतना हाई है ये रेडिकल बनाने का, ठीक है। तब करते कैसे हैं, मैं जनरली जो मोस्ट फेमस है मैं आपको बता दूं यार, वो यूवी लाइट वाली है। तो हम लोग यूवी लाइट को लेके कंसिडर करेंगे। मैकेनिज्म आप देख चुके हो, तो आपने क्या किया था, CH3H लिया, मतलब CH4 लिया, बात देखिए, और आपने इसको Cl2 से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आपको बन गया CH3Cl और आपको बन गया। अच्छा, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनोगे, अगर आपको सिर्फ ओनली मोनोक्लोरीनेशन चाहिए तो इसको एक्सेस में रखो और इसको आप लिमिटिंग रिएजेंट रखो। ये आपने एक्सेस और लिमिटिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिट में रहेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये मेरा एक्सेस में हो गया, उस केस में कहानी पूरी पलटेगी। मतलब ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना, वो CCl4 आएगा। असल में हो क्या रहा है, मैंने आपको बताया था कि पहले CH3Cl बनता है, फिर ये CH2Cl2 बनता है, फिर ये CHCl3 बनता है, और बाद में जाके CCl4 बनता है। लेकिन आपको तो एट द एंड, चूंकि एक्सेस में कौन है, Cl2 एक्सेस में है, लाइट पड़ी हुई है, यूवी लाइट पड़ी हुई है, इसलिए बच्चे आप इसको एक्सेस में लेते टाइम ख्याल रखोगे कि आपको क्या चाहिए प्रोडक्ट। आपको मोनोक्लोरिन प्रोडक्ट चाहिए या आपको डाई पॉली टेट्रा क्लोरोनेटेड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक। जनरली आपसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि किसको एक्सेस में रखना चाहिए और किसको मुझे इसमें रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यार, अगर मान लो तुम्हारे पास सवाल कुछ ऐसे आ जाए और आपसे बोल दे कि इसमें से कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं और मेजर कौन सा है, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे यूवी लाइट प्रेजेंस का, मेजर कौन सा है। इमेजिन करना, एक ही मोनोक्लोरीनेशन कर रहा हूँ। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, वो ये ए है तुम्हारा, ये मान लेते हैं ये दोनों सिमेट्रिक सेम है और ये भी है थोड़ा सा, तो इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट बन सकता है ए से, एक प्रोडक्ट बन सकता है बी से। अगर मैं ए से बनाने पे आ जाऊं तो मैं बनाऊंगा CH3CH2CH2Cl, नो डाउट, और जब मैं बी से बनाऊंगा तो बनाऊंगा CH3CHHCl3। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो कि वहां के एच को हटा के रेडिकल लगाते हो, है ना, तो ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है। फिर बाद में यहाँ पे कभी ना कभी रेडिकल आया होगा, तो Cl अटैक किया, और यहाँ पे कभी ना कभी रेडिकल आया होगा, तो Cl अटैक किया। लॉजिकली सोचनी है कि कौन ज़्यादा स्टेबल, ए या बी। तो बट ऑफ वैसे यार, हम स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल को अच्छी तरह जानते हैं,
अपनी फैमिली का मेंबर है, इट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो आप खुद लॉजिक सोचो यार, खुद लॉजिक सोचो कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर रखूँ और कौन सा प्रोडक्ट माइनर रखूँ। तो देखो यार, ये 1 डिग्री का रेडिकल है और ये मेरा 2 डिग्री का रेडिकल है, तो ये अंडरस्टूड है यार, ये वाला जो प्रोडक्ट देगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो मेजर आने वाला है। एक इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो मेजर आने वाला है। हाँ हाँ, एक आध क्वेश्चन और ट्राई कर लू। जैसे मान लो किसी ने ये दे दिया और आपसे बोला कि प्रोडक्ट बनाओ, मेजर का प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो, इमेजिन करना कि मैं नंबरिंग कर देता हूँ, मैं इसको ए बी सी डी ले लेता हूँ यार, ये ए तो ये ए, ये बी तो ये बी, ठीक है, सेट रही। अब अगर आपने बी के हाइड्रोजन को छेड़ा तो आप बर्बाद होने की कगार पे हो। क्यों हो, मैं आपको बता देता हूँ। जब बी पे रेडिकल आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, और जब ए पे रेडिकल आएगा तो कुछ ऐसा आएगा। खुद बताओ दिल से, कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल, इतनी तो तुम जीओसी पढ़ के आई गए हो, तो यार तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस टेक प्लेस हो रही है। और वैसे भी ये sp2 है, यहाँ पे रेडिकल स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, तो आप किसको प्रोडक्ट में दोगे। अंडरस्टूड है यार कि ए वाले से ही दोगे, तो मैं सीधे इसका आंसर यहाँ लिख दूँ क्या, इसका आंसर यहाँ लिख दूँ अगर आपको एतराज ना हो तो। ये ठीक है, तो मैं और कुछ नहीं कर रहा, बस ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे रेडिकल स्टेबल बन सकता है, और उस रेडिकल की स्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए मैं प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अब आपसे थोड़ा सा अनोखा सवाल करेगा, आपसे बोलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट। अब ये क्या है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी स्टीरियो का भी ख्याल रखना है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसका स्टीरियो। अगर सिर्फ बोलता कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो आंसर अलग आता, अगर बोलता कि स्टीरियो को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो तो आंसर अलग आएगा। मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग द स्टीरियो। देखो पहले तो ए बी सी डी खेल लो, ये ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, और इन दोनों में से कोई एक डी ले लो, यही होगा ना। तो देखो, एक प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा ए पे, ये तुम्हारा बना प्रोडक्ट ए का, यहां तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना बी का, प्रोडक्ट तुम्हारा बी का बना, और सी का यहां बना देता हूं अगले पेज पे यार, सी का मेरे दोस्त यहां बना यार, और डी का कोई भी उठा लो कि यहां बना, अब आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो 4 बने हैं, लेकिन स्टीरियो चेक कर लो। स्टीरियो चेक करने के लिए आप देखो कहीं कॉल सेंटर तो बन रहा है क्या, नहीं, तो एक प्रोडक्ट तो ये बना, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, एक प्रोडक्ट तो ये बना, यहाँ पे देखो कॉल सेंटर नजर आ रहा है क्या, ये अगर कॉल सेंटर नजर आएगा तो उसके दो पॉसिबिलिटी है क्या, एक डी की एक पॉसिबिलिटी एल की, मतलब दो प्रोडक्ट यहाँ से आए, और यहाँ देखो कोई कॉल सेंटर बन रहा है क्या, आंसर इज नहीं, एक प्रोडक्ट ये दिया, यहाँ देखो कहीं कॉल सेंटर बन रहा है क्या, यहाँ कहीं सेंटर नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ बन रहा है। अब देखो एक मजे की बीच सब्स्टिट्यूशन कहीं हो रहा है और इसकी वजह से एनवायरमेंट किसी और का बदल रहा है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन कहीं हो रहा है, एनवायरमेंट किसी और का बदल रहा है, इस वजह से तो रेडिकल ये आया, इसलिए दो प्रोडक्ट, एक डी और एक एल प्रोडक्ट,
तो दो प्रोडक्ट चेंज, अब जोड़ दो भैया, जोड़ लो, जोड़ लो, दो एक तीन इस पेज पे और दो एक तीन इस पेज पे, तो कितना हो गया छः। तो नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट, ऐसे लिखो स्टीरियो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिक्स। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कल मैं क्वेश्चन कर रहा था और कहते हैं कि टीचर्स की हमेशा लर्निंग बनी रहनी चाहिए, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। इसमें बंदे ने पूछा था कि नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट बनाओ, कितने प्रोडक्ट बनाएंगे ऑन मोनोक्लोरिनेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, आपका जो आंसर आएगा उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ये मैं बता देता हूँ। नॉर्मली गलती होती है यार इसमें, मैं बताता हूँ कहाँ गलती करते हैं हम लोग, कहाँ गलती करते हैं। इस बार अगर मैं एबीसीडी खेलूंगा तो थोड़ा गेम बदल जाएगा, बट चलो ठीक है, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, इसको डी बोलो, इसको ई बोलो, इसको एफ बोलो, इसको जी बोलो, सब इस बार अलग अलग हैं इसलिए सबको अलग अलग नाम देना पड़ा। तो पहले आओ करते हैं प्रोडक्ट ए का खात्मा। जब ए का प्रोडक्ट बनेगा तो यहां से आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर यहां तो एक प्रोडक्ट बना कैल सेंटर, तो यहां है ही नहीं, आप क्या करोगे, कैल सेंटर सर यहां है नहीं, ठीक है बेटा, तो हम आप सर खड़क से एक गिनोगे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्लोरिनेशन करने के बाद हर सेंटर से चेक किया करो, किसी भी जगह से कैल सेंटर आया है कि नहीं आ रहा है। देखो यहां से नहीं आ रहा है, मान लेते हैं नंबर वन कर लेते हैं, नंबर टू कर लेते हैं, नंबर थ्री, थोड़ी देर के लिए अपनी मर्जी की नंबरिंग कर रहा हूँ, घबराना मत, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स कर लेता हूँ। तो वन वाले पे कोई कॉल सेंटर नहीं आ रहा है, टू वाले पे नहीं आ रहा है, थ्री वाले पे नहीं आ रहा है, फोर वाले पे देखो आ रहा है। फोर वाले पे देखो, इमेजिन करो एक हाइड्रोजन होगा, एक मिथाइल यहाँ दिख रही है, एक इथाइल यहाँ दिख रही है, और एक ये आइसोप्रोपाइल दिख रही है, प्रोपाइल क्लोराइड दिख रही है, ठीक है। तो कॉल सेंटर दिख रहा है, इसका मतलब यहीं से दो प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब ये ऐसे एक इसका डी फॉर्म और एक इसका एल फॉर्म। एक गजब बात बोल दी मैं, बहुत गजब बात बोल दी, बहुत कम लोग इस प्रोडक्ट को जानते हैं, बात को जानते हैं। तो एक प्रोडक्ट तो ए बना यहाँ से, अब बी बनाते हैं यार। अब थोड़ा इमेजिन करना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो बता देना यार। एक दो ठीक, और बी का प्रोडक्ट मेरे हिसाब से यहाँ बनना चाहिए। अब तुम बताओ कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बने। तो देखो एक कॉल सेंटर ये नजर आ रहा है, एक कॉल सेंटर ये नजर आ रहा है, भैया चार प्रोडक्ट बन गए। अरे यार इसका डीएल इसका एल और इसका डी इसका एल, क्लोरिनेशन कहीं कर रहे हो तो कॉल सेंटर अलग अलग नजर आ रहा है। ये बी के प्रोडक्ट में आया, जरा सी के प्रोडक्ट में आओ, सी का प्रोडक्ट कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर, ए यहाँ बनाते हैं सी का प्रोडक्ट यार, ये सी का प्रोडक्ट है। हाँ फिर चेक कर लो भैया, फिर चेक कर लो कॉल सेंटर दिख रहा है क्या, देखो बहु भी दिख रहा है, दो दो दिख रहा है, एक भी नहीं, तो यहाँ से चार प्रोडक्ट आएंगे। प्रोडक्ट डी पे आ जाओ, डी पे आ जाओ, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि मजा ही आ जाए आपको ये करने में। कहीं कॉल सेंटर एक के अलावा, यहां नहीं इसकी वजह से, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, सिर्फ यहां आएगा, वो भी कितना आएगा, दो कॉल सेंटर। ये अभी तो बनाया हमने डी के साथ, अब आओ ई के साथ बनाते हैं। ई किसको लिया था, इसको लिया था, एक पेज में क्वेश्चन आएगा नहीं यार, ठीक है, अच्छे बच्चे तुम लोग यार, ये प्रोडक्ट ई का है, कुछ ऐसे बना होगा।
आप फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ। क्या दिख रहा है आपको, कॉल सेंटर नजर आ रहा है क्या? कॉल सेंटर नजर आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है सर? यहाँ से आ रहा है सर, ये देखिए दो प्रोडक्ट्स ने दिए। अब आ जाओ एफ पे, एफ पे आ जाए तो सेल यहाँ लगा देते हैं। चलो तो कॉल सेंटर इधर आया, हाँ आया, एक नहीं दो दो आए, यहाँ से दो दो आए, तो चार प्रोडक्ट इसने दिए। भाई साहब ये प्रोडक्ट किसका है? एफ का है। अब आ जाओ जी वाले के पास, जी वाले के पास पहुंचे तो कंडीशन कुछ ऐसी आई। मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूं तो यार सपोर्ट कर देना। तो दो कॉल सेंटर यहां लगा रहे, टोटल मिला के नंबर ऑफ कॉल सेंटर चेक कर लो, टोटल मिला के आंसर चेक कर लो। तो दो और चार छः और दो आठ, आठ दो दस, चार चौदह, चार अट्ठारह, अट्ठारह और दो बीस। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने इसके बीस। इसके आंसर आ गए, इसने कितने प्रोडक्ट दिए हमको? बीस प्रोडक्ट दिए। था ना बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। बहुत बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रॉन्ग होता है यार, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन होता है तो रॉन्ग करने की चांसेस बढ़ जाती है ना, अच्छा क्वेश्चन होता है तो रॉन्ग करने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है? चलो बाकी मेजर माइनर पूछे तो ठीक है यार, चेक कर लेंगे जहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि मेजर हाँ डी वाले मेजर लग रहा है, क्योंकि यहीं पर आपको तीन थ्री डिग्री का रेडिकल दिखाई देगा जब अटैक करने से पहले सोचोगे। कहीं और थ्री डिग्री का दिखाई दे रहा है क्या? नहीं यार, और कहीं थ्री डिग्री का दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? तो अगर पूछ ले विच वन इज द मेजर, तो आंसर इज डी इज मेजर, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो 20, ठीक है? बहुत बहुत बेहतरीन सवाल मैं करा दिया, आप बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपको करा दिया, ठीक है? अब होता क्या है, अब आपसे बोलेगा कि भाई मेजर बना माइनर बना, हमने कहा ठीक है बना, तो बता कितना परसेंट मेजर का बना कितना परसेंट माइनर का बना, ठीक है भाई बता देते हैं। आओ इसे क्वेश्चन कराते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट यील्ड, प्रोडक्ट की यील्ड बताना है। तो पहले तो आपको प्रोडक्ट यील्ड से पहले बता दूं कि जब हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं तो जो रिएक्टिविटी होती है उसे चेक की जाती है, और एक रिएक्टिविटी का रेशियो है, हाइड्रोजन के डिग्री के अकॉर्डिंग उनकी रिएक्टिविटी का रेशियो बांटा गया है। तो आपको बस वो याद करना होगा, ये कहाँ से आया आपको मतलब नहीं है, ये रिएक्शन के इंटरनल मैकेनिज्म की हेल्प से या डाटा एनालिसिस से निकाला गया है, ठीक है? तो अगर आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो आप वहाँ 1 रखोगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन है तो आप 2.8 रखोगे, और 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो आप 5 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? ओके, आप कैसे करते हैं क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आओ आओ दिखाते हैं, मान लेना थोड़ी देर के लिए आपको क्वेश्चन कुछ ये आ जाता है, आपसे बोल रहा है कि मुझे 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री की परसेंटेज यील्ड बताओ। परसेंटेज यील्ड की हिंदी भाषा होती है कि कितना परसेंट अमाउंट में ए बना, कितना परसेंट बी बना, कितना परसेंट सी बना, ओवरऑल टोटल का कितना परसेंट ए बना, कितना बी बना, कितना सी बना। तो आप उसका तरीका क्या है इसका भैया, मेरा तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन देख लें। आप पहले मैं 1 की बात करूं तो देखो यार, मेरे पास 1 डिग्री के कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जिनको मैं रिप्लेस करके मोनोक्लोरिनेशन कर सकता हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 डिग्री के ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिसको रिप्लेस करके हम लोग 1 डिग्री का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आंसर इज सर, आंसर इज 3 मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, ये 3 मुझे यहाँ दिख रहे हैं 1 डिग्री वाले, और 3 यहाँ दिख रहे हैं, मतलब 9 दिख रहे हैं 1 डिग्री वाले। अब 9 × 1 डिग्री वाले हैं मतलब क्या हो गया, 9 × 1 हो गया, ये वहाँ डाटा से पीछे निकाला था। अब इसी में अगर तुम्हें 2 डिग्री के देखने हो, 2 डिग्री के देखने हो, 2 डिग्री
तो दो हैं आपके टू डिग्री के, और टू डिग्री कितना था, किस में अप्लाई करोगे, दो इंटू 2.8 से, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आई एम हार्टली सॉरी यार, 3.8 है, हार्टली सॉरी, दिल से तहे दिल से माफी यार, तहे दिल से माफी यार, दो है 3.8 है ना। और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो एक सिर्फ ये दिख रहा है 3 डिग्री का, तो ये है 1 into 5। अब जरा एक काम करो, उसने 1 की यील्ड पूछी है, तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 प्लस आपका 3.8 इंटू 2 हो जाएगा आपका 7.2 समथिंग है ना, 40 शेयर करता है। देखो नींद आ रही है, 7.6 है, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका यील्ड आ जाएगा 1 को लेके, आपका यील्ड ले जाएगा 1 को लेके, कि 1 को लेके क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। यही चीज अगर आपको 2 के लिए बनानी है एकदम सेम, तो 7.6 अपॉन टोटल का 7200, 3 डिग्री चाहिए 5 अपॉन टोटल का 7200, तो ये हमारी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये आपने काम किया किसके लिए, क्लोरीनेशन के लिए, किसके लिए किया, क्लोरीनेशन के लिए। एकदम सेम आप ब्रोमिनेशन पे करते हो, बस आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज दे दूं कि क्लोरीनेशन हमारा एक्सोथर्मिक होता है और ब्रोमिनेशन हमारा एंडोथर्मिक होता है। क्या बोला मैंने, क्लोरीनेशन हमारा एक्सोथर्मिक होता है और ब्रोमिनेशन हमारा एंडोथर्मिक होता है। तो थोड़ा सा ब्रोमिनेशन देखते, ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट वही है कि आपके पास CH3H है, आप इसको Br2 में रिएक्ट करा रहे हो यूवी लाइट के साथ, ठीक है, ओके, और सीधे और कुछ नहीं, CH3Br बन जा रहा है, बाकी HBr बाहर निकल जा रहा है, सेम मैकेनिज्म, सेम कंसेप्ट, कोई चेंजेस नहीं है, बस हाँ अंतर है उनके 1 डिग्री के हाइड्रोजन, 2 डिग्री के हाइड्रोजन और 3 डिग्री के हाइड्रोजन, रेशियो होता है 1:82 ठीक है, वहां कितना था, 1:3.8:5 था, यहाँ है 1:82 सेम काम वही करना है भैया, काम वही करना है। अगर आपके पास फिर से सवाल आ जाए, बस यहाँ पे Cl2 जगह Br2 भी लाइट दे दे और बोले कि परसेंटेज यील्ड बताओ आप 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री वाले, ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9 9 हाइड्रोजन है 1 डिग्री वाले, तो आपने 9 into 1 करना है। इस बार मैंने 2 डिग्री का कोई नहीं ले लिया, यहाँ क्या किया था, ठीक है, यहाँ 2 डिग्री लिया था, कोई बात नहीं, सिर्फ 3 डिग्री का लिया, तो 3 डिग्री के हैं आपके हाइड्रोजन 1, तो ये होगा आपका 3 डिग्री के एक है, तो 1 into 1600 है ना, पीछे आया था ना 1600, तो बस तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा 9 upon 1600 9 into 100 आपका परसेंटेज निकल जाएगा। वो आप देख पा रहे हो कि आपने ब्रोमिनेशन कैसे किया, आपने क्लोरिनेशन कैसे किया, ठीक है। अब चूंकि जो सबसे गजब होता है, अलग गजब आंसर देता है, वो है हमारा फ्लोरीनेशन। एक्चुअली आपको पता होगा कि फ्लोरीन की जो रिएक्शन है वो बहुत अक्सली बहुत स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होती है, और फ्लोरीन के जो बॉन्डिक रिपल्जेंस होती है वो बहुत ज़्यादा रिपल्जन होती है ना, तो फ्लोरीनेशन कुछ उल्टा हो जाता है यार, मतलब आप इसको F2 से रिएक्ट कराओ, और यहाँ पे अगर आपको उसको लाइट दे दोगे ना यू वी लाइट, तो यहाँ पे प्योर कार्बन ब्लैक निकल जाएगा, कार्बन ब्लैक, और HF बाहर निकलेगा। जबकि अगर आप यही चीज को डार्क रूम में कराओगे तो आपको CH3F देगा,
और एच एम देगा ठीक। तो कोई बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, ग्रेचुटी बहुत फास्ट होने की वजह से या हाफ लाइफ बहुत कम होने की वजह से इस रिएक्शन की कंसंट्रेशन या कंडीशंस को हम कंसिडर नहीं करते आ रहा ठीक है। तो इसलिए आप फ्लोरिनेशन को अवॉइड करो, करना ही है तो क्लोरिनेशन करो या ब्रोमिनेशन करो। हाँ अब आएगा आयोडिनेशन क्यों ना करें, आयोडिनेशन क्यों ना करें सर, क्या मना है आयोडिनेशन? तो यार आयोडिनेशन असल में एक रिवर्सिबल प्रोडक्ट दे देता है, ये एक आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगती है, इससे बचने के लिए आप आयोडिनेशन ना करो। कहने का क्या मेरा सेंस है कि जब आप आयोडिनेशन करते हो ना तो आप आयोडीन को लेते हो है ना, जैसे आपका मैं कर दे रहा हूँ कि मेरा मिथेन है और मैं इसको आयोडीन से कर रहा हूँ, मैंने यूवी लाइट डाली तो ये बनता है सी एच थ्री आई और ये बनता है एच आई, नो डाउट। अब ये वापस रिएक्शन कर सकता है ठीक है, क्योंकि एच आई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये वापस रिएक्शन कर सकता है। अब तरीका ये होता है कि भाई हम कैसे इस प्रॉब्लम से बचें, तो देखो या तो अपनी कॉस्ट बढ़ाओ रिएक्शन की, या तो करो ही ना, और अगर नहीं तुम अड़ी जाते नहीं सर तो भैया ठीक है जो दर्द दे रहा है उसी को अलग कर दो, अलग करने के लिए इसको आप HNO3 से रिएक्ट करा देते हो, इससे आयोडीन गैस निकल जाती है और पानी निकल जाता है और अब ये वापस बैक नहीं जाता है। बट ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी का खर्चा तो बढ़ा। हाँ आपको बोल रहा है कि नहीं आयोडिनेशन करना ही है, क्यों करना है तो बताओगे कि आयोडिनेशन हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रिवर्सिबल की चांसेस रखता है, वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, क्योंकि एच आई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से ये वापस CH3I से रिएक्ट करने की सोचता है और वापस आपको मिथेन और आयोडीन मिलता है, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो, उसके निवारण चाहते हो, उसका निवारण एक ही है भैया कि आप इसके एच आई को HNO3 से रिएक्ट करा दो, इससे आप अवॉइड होने से बच जाओगे, मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड होने से बच जाओगे, अगर बच जाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, कर पा रहे होगी प्रोडक्ट ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलो अगला आएगा हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है समझ में आ रहा होगा, एनर्जी लगाना है तो आप क्या लेते हो, एल्केन लेते हो, नाइट्रिक एसिड लेते हो, ये वेपर फेस में होते हैं, वेपराइज फॉर्म में होते हैं नाइट्रिक एसिड ठीक है, थोड़ा सा हीट बीट किए रहोगे नाइट्रिक एसिड को तो आपको ये RNO2 दे देता है, RNO2 दे देता है, प्लस पानी यानी बाहर करना हो तो कर देना, हमारा मतलब नहीं है ठीक है। इसको नाइट्रेशन बुलाते हैं। मैकेनिज्म में सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यार कि आप मैकेनिज्म करो यार ठीक है, मैसेज कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नहीं इसके पीछे छुपी है ओके। है रेडिकल मैकेनिज्म ठीक है। अगला आएगा सल्फोनेशन, अगला आएगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए भी आप क्या करते हो, SO3H डालते हो, SO3H डालते हो, डालोगे तो इसमें से वो निकलेगा आपका RSO3H ठीक है। तो ओवरऑल हम देख पा रहे हो कि हम सब में क्या कर रहे हैं, रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करा रहे हैं ठीक है। आई होप आपको मेरी बात सुन आ रही होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ठीक है, उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को बहुत पेशेंसली सुना, बहुत पेशेंसली देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आया अच्छा समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना ठीक है। और हाँ मेरा कोड याद रखना धीरेन, इसी से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़।